टीवी का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 14 का अब कुछ ही हफ्ते में ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ऐसे में घर के बचे सभी सदस्यों की नजर अब बिग बॉस 14 की ट्रॉफी पर टिकी हुई है। बीते वीकेंड के वॉर पर अर्शी खान के घर से बेघर होने के बाद रूबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत, अली गोनी, राहुल वैद्य, निकी तंबोली और देवोलीना भट्टाचार्य जी बचे हुए हैं। इन सब के बीच रूबीना दिलैक को घर की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बताया जा रहा है। हालांकि इस शो में अली गोनी ने भले ही वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली है, लेकिन वो रूबीना को टफ कंपटीशन दे रहे हैं। इसके अलावा रूबीना और अली की घर में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अली गोनी ने हमेशा कहा है कि रूबीना को वो अपनी बहन मानते हैं। वहीं लाइव फीड के दौरान अली ने ये भी कहा कि रूबीना अब जीवन भर के लिए उसकी बहन है, क्योंकि जैस्मिन के बेघर होने के बाद रूबीना के अलावा किसी ने भी घर में उसकी देखभाल नहीं की थी। अली ने बताया कि उनके बीमार होने के बाद रूबीना ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उनके पसंद का खाना बनाया, लेकिन कनेक्शन वीक के तौर पर घर में अली गोनी को सपोर्ट करने आए जैस्मिन भसीन को रूबीना के लिए काफी कुछ कहते सुना गया और अली ने बार बार रूबीना की ही साइड ली। अली के बार बार रूबीना की साइड लेने पर जैस्मिन भसीन को काफी गुस्से में देखा गया और अब जैस्मिन के गुस्से को देखने के बाद फैंस ये दावा कर रहे हैं कि कहीं जैस्मिन खुन्नस खाकर अली से ब्रेकअप ना कर ले। इतना ही नहीं, बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो में जैस्मिन गुस्से में अली से ये कहती दिख रही है कि ये ट्रॉफी भी रूबीना को ही दे देना। और इन सब बातों से ये साफ है कि रूबीना के कारण अली और जैस्मिन के रिश्ते में दरार पड़ सकती है।